प्रोडक्शन मस्ट बट सेफ्टी फर्स्ट, ऑलवेज अलर्ट, एक्सीडेंट एवर्ट, और इस तरह के यातायात के नियम, बहुत सारे नियम जो डिफरेंट माइंड्स में या इसी माइंड्स में बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा जगह जगह पर, जिससे हम सुरक्षित पूर्वक काम कर सकें और किसी तरह की दुर्घटना ना हो। अभी हम खड़े हैं नीव आकाश किनारी प्रोजेक्ट जो गोविंदपुर क्षेत्र में आता है, बीसीसीएल का एक अहम क्षेत्र है गोविंदपुर एरिया। 12 दिसंबर 2019 को यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें हमारा एक कामगार हमारे बीच नहीं रहा। चलिए उसको हम देखते हैं कि ऐसी क्या भूल हुई जो वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हमारे बीच नहीं रहा। हाँ, घुमा के माल पीछे डालना है। घुमाइए हाँ, घुमा के हाँ बोलो हाँ एक मिनट। अरे तो इलाज गांव में नहीं हो सकता है, इलाज यहीं पर होगा धनबादे में, इलाज गांव में कराएंगे। अरे बात वो नहीं है, समझती नहीं हो, कौन देखभाल करेगा यहाँ पर, बच्चा लोग का स्कूल है, ट्यूशन है। अरे बाया कोना भरना, बाया कोना, हाँ हाँ अरे बाया कोना भरिए, बाया कोना, मेरा भी ड्यूटी है, घर में कोई काम वाली नहीं है, कौन देखभाल करेगा, भी अकेली है। अरे पैसा तो भेजिए ना यहाँ, सामने वाला लोग, सामने वाला कोई ना, हाँ 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 अरे वही तो बोल रहा है, आपने सुशील कुमार सिन्हा जो यहाँ पर एक सुपरवाइजर का काम करते थे, सुरक्षा के मानकों को नहीं मानने का नतीजा आज उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। उनकी एक्टिविटी शो कर रही है कि एक हाथ में मोबाइल से बात कर रहे हैं, दूसरा हाथ से अपना मशीन को डायरेक्शन भी दे रहे हैं, और यहाँ तक कि सामने जो डंपर आ रहा है, सामने जो डंपर आ रहा है उसका ड्राइवर उसे अपना हॉर्न भी बजा रहा है, हल्ला भी कर रहा है, और एक डंपर जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है बैक होकर के उसका भी एबीए बज रहा है, लेकिन फ़ोन पर बात करने में इतना मशगूल हैं कि ये सब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, और अंततः वो डंपर इन्हें बैक से हिट करता है और ये गिर जाते हैं, और इसको डंपर फिर दबा देता है, फिर इनको यहाँ से इनके जो सहयोगी हैं सो उठा करके ले जाते हैं हॉस्पिटल, लोकल हॉस्पिटल में यहाँ पर दिखाने के बाद उसको रिफ़र किया जाता है बीजीएस बोकारो में, जहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। सुरक्षा के मानकों को नहीं मानने का नतीजा यही होता है। अतः आप लोगों से अपील है कि जब आप खदान में काम करने आते हैं तो सुरक्षा के मानकों को माने, उसकी अवहेलना नहीं करें। जगह जगह पर सुरक्षा के मानकों का स्लोगन के रूप में प्रबंधन आपको दर्शाते रहती है। सुरक्षा वार्ता में हर एक दिन आपको सुरक्षित होकर के काम करने का अलग अलग तरीके से आपको बताते रहती है। साथ ही बीटी सेंटर में आपको सुरक्षा के मानकों को बताया जाता है, और आपसे एक विशेष अनुरोध है कि कार्यस्थल पर कृपया करके अपने फ़ोन का उपयोग ना करें, और सुरक्षा के बाकी भी जो नियम हैं उसको अक्षरशः पालन करें। यदि अपने आप को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, कंपनी को भी सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो